और वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट की है इन किलो जूल्स पर मोल और एक्स एक्सिस पे हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को प्लॉट किया है और ये डिस्टेंस हम लेते हैं इन पी को मीटर्स पी को हमारे पास होता है टेन रेस टू द पावर माइनस ट्वेल्व वाई एक्सिस पे हम वैल्यूज़ लेते हैं वन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड किलो जूल्स पर मोल फोर हंड्रेड किलो जूल्स पर मोल एंड फाइव हंड्रेड किलो जूल्स पर मोल और इन वैल्यूज़ के साथ हम माइनस का साइन लिखेंगे ये मैंने एटॉमिक मॉडल में भी एक्सप्लेन किया है कि हम इन्फिनीटी को जीरो लेते हैं और इन्फिनिटी से जब हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस में होती हैं और इसका दूसरा रीज़न ये है कि वेन एवर वी कंसिडर सिस्टम दैट इज़ सेंट्रली बाउंड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटम है ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इट इज़ बाउंड टू दिस न्यूक्लियस सो ऐसे सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज़ वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन ताकि हम इसको इस न्यूक्लियस से फ्री कर सकें सो so, जब तक हम वो एनर्जी नहीं देते इसकी जो एनर्जी होती है उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर आप इसको थर्ड परस्पेक्टिव से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के करीब आता है तो वह एनर्जी लूज करके यहाँ पे पहुँचता है और उसके लिए हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं आई होप दिस इज़ क्लियर एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है और वाई एक्सिस पे जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एनर्जी कम हो रही है सो so ये है हमारा एक बेसिक ग्राफ इसमें आप ये एनर्जी कर्व देख सकते हैं इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ अब इस पॉइंट पे हमारे पास दो हाइड्रोजन आइटम्स हैं जो कि एक दूसरे से दूर हैं एज यू कैन सी हेयर एंड दे आर नॉट इंटर इन एनी वे विद ईच अदर अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं इन दोनों एटम्स की जो एनर्जी है वो ड्रॉप होती है सो दिस इज आवर पोजिशन वन दिस इज आवर पोजिशन टू इस पोजीशन पे ये दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए यहाँ पे देखें 120 या 130 का डिस्टेंस होगा पिकोमीटर्स का एंड वी कॉल दिस पोजीशन आवर थर्ड पोजीशन ये वो पोजीशन है जिस पे इन दोनों आइटम्स की जो एनर्जी है दैट इज एक्सट्रीमली लो और जैसे जैसे ये करीब आते जा रहे हैं यू कैन सी दैट एनर्जी इज ड्रॉपिंग और यहाँ पे आके ये बॉन्ड बनाते हैं और हमें एच टू मोलिक्यूल मिलता है और इस पॉइंट से अगर ये ज्यादा करीब आते हैं तो इनकी एनर्जी फोरन से बढ़ने लगती है एंड दिस इज आवर पोजिशन फोर अब आप में से अक्सर के जहन में ये सवाल होगा कि यहाँ पे बॉन्ड क्यों बन रहा है उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये जो दो हाइड्रोजन आइटम्स हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ अब बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें से एक को हम हाइड्रोजन ए कह देते हैं और दिस इज आवर हाइड्रोजन बी अब बेसिकली होता क्या है जब ये रैंडम मोशन के दौरान एक दूसरे के करीब आते हैं या हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे की रेंज में आते हैं सो so ये जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन बी का ये हाइड्रोजन ए के इलेक्ट्रॉन को पुल करने लगता है और जो हाइड्रोजन ए का न्यूक्लियस है वो हाइड्रोजन बी के इलेक्ट्रॉन को पुल करने लगता है अब जैसे ही इस न्यूक्लियस को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इसकी एनर्जी कम होने लगती है और इस न्यूक्लियस को जब एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इसकी भी एनर्जी ड्रॉप होने लगती है और ये दोनों एटम्स स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो रहा होता है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अलावा इनमें रिपल्जन भी है ये जो न्यूक्लियस है ये इसको रिपेल करता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं सो so ये वो पॉइंट है जहाँ पे सारी जो फोर्सेस हैं ये बैलेंस हो जाती हैं और इस पॉइंट पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर ये दो एटम्स इस पॉइंट से ज़्यादा करीब आते हैं तो क्या होगा जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं इन दोनों एटम्स के दरमियान दे विल टेक ओवर और जो एनर्जी है बजाय वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए वो दोबारा से बढ़ने लगेगी जो इक्विलिब्रियम है है इन सारी फोर्सेस का वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब बॉन्ड एनर्जी क्या है करीब आने के दौरान इस पॉइंट से लेके और ये जो पॉइंट जहां पे ये बॉन्ड बना इस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हुई दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की या हाइड्रोजन बॉन्ड की हमारे पास जो एनर्जी होती है दैट इज माइनस फोर थर्टी टू किलो जूल्स पर मोल अब यहाँ पे भी आप यूनिट देख सकते हैं दैट इज किलो जूल्स पर मोल ये दो हाइड्रोजन आइटम्स की बात नहीं हो रही या एक एच टू मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है कि जब सिक्स पॉइंट जीरो टू टाइम्स टेन रेस टू द पावर ट्वेंटी थ्री बॉन्ड्स जो बनते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे पास फोर थर्टी टू किलो जूल्स पर मोल के बराबर है और नेगेटिव का साइन यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी को डिपेक्ट कर रहा है सो so, याद रखें हमेशा जब भी बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और जब भी बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सो बॉन्ड एनर्जी को हम दो डिफरेंट परस्पेक्टिव से डिफाइन कर सकते हैं एक तो ये है कि दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन दी बॉन्ड इज फॉर्म्ड और हम ये भी कह सकते हैं कि दी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब वेन द बॉन्ड इज ब्रोकन क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए या इतने मोलिक्यूल्स में बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज प्लस फोर थर्टी टू किलो जूल्स पर मोल क्योंकि इसको हमने ब्रेक करने के लिए इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करनी है जितनी इसने बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज की थी सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर अब हम चलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की तरफ अगर तो कोई मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और अगर कोई मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कम एनर्जी रिलीज करता है तो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एटम्स हैं ए एंड बी और ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ए बी और इस मॉलिक्यूल के बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो है हमारे पास माइनस फोर्टी सिक्स किलो जूल्स पर मोल तो इसको ब्रेक करने के लिए भी हमें फोर्टी सिक्स किलो जूल्स एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी और जैसे कि अभी हमने हाइड्रोजन आइटम में देखा जब हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और एच टू मोलिक्यूल बनता है तो so, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है दैट इज़ माइनस फोर थर्टी टू किलो जूल्स पर मोल और हमें इसको ब्रेक करने के लिए फोर थर्टी टू किलो जूल्स पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है सो so, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से H2 की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है या हम ये कह सकते हैं कि इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल ए एंड बी सो so, ये हो गई हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ अब हम आते हैं बॉन्ड लेंथ की तरफ अब हम हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं कि हम किसी ऑर्बिट को पिन uh, पॉइंट नहीं कर सकते हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है सो जब भी बॉन्ड बनता है या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है और ये जो टॉपिक है दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है जब बॉन्ड बन जाता है तो दैट इज़ आवर बॉन्ड लेंथ अब इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है वो ये है कि जब भी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो जो एटम्स हैं वो ज़्यादा करीब आएंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और क्योंकि वो करीब होंगे तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कॉन्सेप्ट है अगर तो बॉन्ड लेंथ कम है तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और बॉन्ड एनर्जी भी काफ़ी हाई है अगर तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसका मतलब है बॉन्ड इज वीक उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है और उसने जो एनर्जी रिलीज की है बॉन्ड बनते हुए वो भी कम है सो सिंगल बॉन्ड्स हमारे पास मोस्टली जो कोवेलेंट बॉन्ड्स में होते हैं उनकी लेंथ ज्यादा होती है और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है और बॉन्ड एनर्जी भी उनकी कम होती है ये बॉन्ड्स आसानी से टूट जाते हैं फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है दैट इज़ अ वीकर बॉन्ड एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड्स हमारे पास होते हैं उनकी लेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड्स और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है और उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी हाई होती है सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कोवेलेंट मोलिक्यूल्स में जो ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उनकी लेंथ सब से कम होती है उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इनकी फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और हम ये भी कह सकते हैं कि इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है आई होप दिस कॉन्सेप्ट आर वेरी क्लियर हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है और जब भी बॉन्ड टूटते हैं तो वो एनर्जी एबजॉर्ब करके टूटते हैं बहुत से स्टूडेंट्स को ये पॉइंट क्लियर नहीं होता और मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ टीचर्स भी इसमें गलती करते हैं और जब वो क्लास में जाते हैं तो पढ़ा रहे होते हैं कि भाई जब भी बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है विच इज़ रॉन्ग मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे और कोई कन्फ्यूजन इसमें ना रहे बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज़ रिलीज और इसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब और इसके साथ हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि बॉन्ड जो है वो एक लकड़ी का तना है एक दरख्त का तना है और आपके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और आप उसको तोड़ने के लिए उसको काटने के लिए सो बेसिकली वैन यू आर हिटिंग जब आपको कुल्हाड़ी इस लकड़ी पे या इस तने पे मार रहे हैं तो आप एनर्जी उसको दे रहे हैं ताकि वो टूट जाए ये पॉइंट भी अगर आप जहन में रखते हैं तो आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और अगर कोई क्वेश्चन हैं तो लीव देम इन अ कॉमेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग